Jai Sri Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Namo Rihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayriyanam, Namo Vachayanam, Namo Loishabhushaham. Mangalam Bhagavan Viro Mangalam Gautamangani Mangalam Kundakundaryo Jaina Dharmastu Mangalam Sarva Mangal Mangalyam Sarva Kalyanikarikam Pradhanam Sarva Dharmanam Jainam Jaitu Sasanam Jainam Jaitu Sasanam. जीव के परिणामों के निमित्त से उत्कर्षण हो जाता है, पहले के बांधे हुए कर्मों में उत्कर्षण हो जाता है, अपकर्षण हो जाता है, संक्रमण हो जाता है. संक्रमण की चर्चा कल की थी अपन ने, हालांकि इसकी चर्चाएं अभी पूरी नहीं हुई है. उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, इन सब की चर्चा बाद में और करेंगे अपन अभी. लेकिन उदीर्णा की चर्चा आज उठाएंगे. बाकी तीन चार दिन हैं अपने पास, चारों का चार्ट के माध्यम से फिर रिवीजन करेंगे हम. यह मान करके कि कई लोग संडे को ही आ पाते हैं दूर दूर से, अवकाश का दिन होने की वजह से, इसलिए जानबूझ करके उदीर्णा का प्रकरण भी थोड़ा लेंगे. हमारी अंतर में ध्यान से समझेंगे सब लोग, अंतर में भगवान आत्मा परिपूर्ण है. और इस परिपूर्ण भगवान आत्मा का अनुभव करने वाले को जगत में कोई प्रॉब्लम आती नहीं. फिर से कह रहा हूं, अंतर में परिपूर्ण आत्म स्वभाव का वेदन करने वाले को बाहर में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है. लेकिन परिपूर्ण स्वभाव को जाने बिना, सहज सुंदर वस्तु व्यवस्था को जाने बिना, तीन लोग एकदम स्वतंत्र सहज परनम्रा ये खबर ना होने से मिथ्या दृष्टि, व्यर्थ ही कल्पनाएं करके कर्मों का संक्रमण कर लेता है. संक्रमण की चर्चा चल रही है. जैसे हमारे दिमाग में एक बात चला करती है, सीधे साधे धर्मात्माओं का जीवन तो बड़ा कष्ट का होगा, ईमानदारी से व्यापार नहीं किया जा सकता, ईमानदारी से आज के दिन में नौकरी नहीं की जा सकती. वो तो भैया संसार में तो पाप करना ही पड़ेगा. ये सब मिथ्या सोच है सारी, बिल्कुल मिथ्या कल्पना है कि हम ऐसा करेंगे तो होगा. ये मैं संक्रमण में घटा रहा हूं, संक्रमण में. लेश्या के निमित्त से, जीव के परिणाम के निमित्त से सजातीय प्रकृतियों में, मैंने आयु का तो होते नहीं, ज्ञानवर्णी का ज्ञानवर्णी में, सजातीय प्रकृतियों में, मोहिनी का मोहिनी की प्रकृतियों में, ऐसे सात कर्मों में सजातीय परिणमन हो जाता है. ये कल तक परिभाषा पढ़ाई थी, एक बार फिर बोल दिया आपको. लेश्या के निमित्त से, जीव के परिणामों के निमित्त से क्या हो जाता है, सात कर्मों में, एक आयु छोड़ दीजिए, सात कर्मों में सजाती माने जिस जाति के कर्म है, प्रकृति है, उसी में वो संक्रमित हो जाते हैं. ये तो कल तक पढ़ा दिया है, आज अपने को इससे आगे बढ़ना है थोड़ा सा. जब आप ये सोच लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलत फहमी हो जाती है, हमें सोचते हैं इसके बिना काम नहीं होगा. ध्यान से सुनना, मैं तीन बार बोल चुका हूं. जब हम यह सोचते हैं कि इसके बिना काम नहीं होगा, तो आपकी पुण्य प्रकृतियां पाप में कन्वर्ट हो जाती हैं. आपकी एक रॉन्ग थिंकिंग से, एक गलत विचार करने से आपका पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाता है. कैसे हो जाता है उसका एक दृष्टांत देंगे हम. जैसे आप बच्चे को, आपने पहले मन में क्या सोच रखा है, बच्चे तो बिना डांट के काम नहीं करते, बिना मारपीट के सुधरते नहीं हैं,
आजकल की बहुएं तो बिना डांट मार के सीखती नहीं है, वो तो फटकारना तो पड़ता ही है, टोकना तो पड़ता ही है, डांटना तो पड़ता ही है। आजकल की नौकर चाकर को तो थोड़ा दबा के रखना चाहिए, शोषण करना चाहिए। इतने सारे विचार मैंने एक साथ ले दिए। जब आपकी ऐसी सोच है तो पुण्य के उदय में काम तो होना है आपका, पुण्य के उदय में पत्नी तो रहेगी, बहू तो रहेगी, बच्चे तो रहेंगे, नौकर भी रहेगा। लेकिन अब लेकिन कह रहा हूं, लेकिन आप मेरा प्रवचन सुनकर आज जाइए, घर जाइए और आप सोचें कि बहुत अच्छे से बच्चे मान जाएं, पंडित जी कह रहे थे गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, तो आज जैसे ही आप घर जाएंगे तो मेरा सिद्धांत झूठा दिखाई देगा। पक्की बात है, मैं खुद कह रहा हूं मेरा सिद्धांत झूठा दिखाई देगा। क्योंकि जब आप बच्चे को बड़े प्यार से कहेंगे बेटे पढ़ लीजिए, तो बेटा सोचता है अरे आज तो मम्मी तो पढ़ेगा ही नहीं, नहीं पढ़ेगा। फिर आपने दूसरी बार प्यार से समझाया, तीसरी बार बड़ा लॉजिक दिया, चौथी बार भी लॉजिक दिया, लेकिन बच्चा अभी तक हैबिचुअल हो चुका है काहे का डांट फटकार का, मारने का, वो उस समय का हैबिचुअल हो गया। तो अब आप प्यार से कहते तो वो नहीं मानता, और इतने में ही आपने अपना फार्मूला लगाया। मेरा फार्मूला चार बार लगाया, काम नहीं हुआ, कि प्यार से कहना चाहिए, बच्चों को भगवान आत्मा समझना चाहिए, बहुओं को भी भावी सिद्ध समझना चाहिए, नौकर चाकर को भी प्रेम से बात करना चाहिए। जैसे ही आपने जब ये मेरा फार्मूला लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब जैसे ही आप अपना फार्मूला लगाएंगे काम हो जाएगा। झट आपने दो तमाचे दिए, पढ़ता है कि नहीं? बच्चा फौरन किताब लेके एकदम सीरियस मायूस होकर पढ़ने बैठ गया। देखो पंडित जी, देखा? अब आप कहते हो बच्चों को प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ। एक कवि एक कहावत भी है, याद आ गई? कौन सी कहावत है? हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते ही। अब पंडित जी बोलो, महावीर भगवान की माने कि हम ये माने? बिल्कुल आपको ऐसा ही होगा। आप में से बहुत लोग कह सकते हैं बिना रिश्वत के काम नहीं होता हो, देखो हमने रिश्वत दियो काम हो गया, और बिना रिश्वत के हम चक्कर खाते रहे दस काम नहीं हुआ, रिश्वत देते से ही काम हो गया। लेकिन मैं संक्रमण पढ़ा रहा हूं आपको। जब आपकी पुण्य पाप की व्यवस्था में विश्वास नहीं है, जब आपको क्रमबद्ध पर्याय में विश्वास नहीं है, जब आपको परिपूर्ण वस्तु व्यवस्था के छह द्रव्य में विश्वास नहीं है, जब आपको भगवान आत्मा के अकर्ता स्वभाव में विश्वास नहीं है, जब तक आपको निमित्त से कार्य होता है ये विश्वास है, निमित्त से कार्य होता है, पैसा से कार्य होता है, पाप करने से काम होता है, डांट फटकार से काम होता है, माने आपके दिमाग में ये जो उल्टी मान्यता बैठी है कि इससे काम होता है, बिल्कुल विरुद्ध सिद्धांत समझा रहा हूं आपको संक्रमण का। आप सबका अनुभव ये कहता है कि बिना मारपीट डांट फटकार रिश्वत काम नहीं होता, और मुझे ये सिद्ध करना है कि बिना के होता है ना? एकदम विरुद्ध है कि नहीं है? हा हा हा, इससे बहुत लॉस हो रहा है, बहुत लॉस हो रहा है। आप जब पूरा क्रमिक अध्ययन करें, जितने सिद्धांत मैंने बोले यदि उनका अध्ययन करें, आपका एक भी काम अन्याय मार्ग से नहीं होता। फिर से बोलता हूं, अन्याय मार्ग से माने क्रोध करने से बच्चा नहीं पढ़ता। बच्चे को तो पढ़ने का योग है तो वो पढ़ना ही था, लेकिन आपकी वाणी का योग नष्ट हो गया है, आपकी वाणी की पवित्रता नष्ट हुई है, आपकी वाणी का प्रभाव नष्ट हुआ है। कैसे? डांट फटकार से। इसके पहले भी एक घटना हुई है, आपने पहले ही एक चीज पढ़ ली है दिमाग में, क्या? बच्चे बिना मारपीट के नहीं पढ़ेंगे, ऑफिसों में बिना रिश्वत के काम नहीं। ये जो दो मान्यताएं, मैंने ऐसे नहीं, आपका हजारों रखना इसको, जब तक आपकी ये मान्यता है आपका करोड़ों रुपए का पुण्य, यू अब दृष्टांत दे रहे हैं करोड़ों रुपए, माने करोड़ों रुपए का पुण्य मानो 10 रुपए में संक्रमित हो गया। माने बच्चे को पढ़ाई के लिए कहने के लिए आपको जितना श्रम करना पड़ा, क्रोध करना पड़ा, वो उल्टा ऐसा पाप 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 भाव करके कराना पड़ा वो काम, जबकि वो आपके प्रभाव से हो जाना चाहिए। मैं एक बहुत सरल दृष्टांत देता हूं आपको। एक गांधी जी के पास एक महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर आई, बहुत फेमस,
सुना होगा आपने कि साहेब ये छोकरा गुड़ बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है, इसको आप बोलो कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। अब गुजराती लोग तो गुड़ खाते ही, गांधी जी भी गुजराती थे तो गांधी जी पोते गुड़ खाते, मैं खुद खाते ही थे वो सारा। तो उन्होंने कहा बहन 7 दिन बाद आना। दूसरे दिन से गांधी जी ने गुड़ छोड़ा, पहले 7 दिन तक उन्होंने गुड़ नहीं खाया। 7 दिन बाद वो माँ उस बेटे को लेकर फिर आई। गांधी जी ने बड़े प्रेम से कहा बेटे गुड़ नहीं खाया करो, पेट खराब होता है, दांतों में कीड़ा लग जाता है, गुड़ नहीं खाया करो। तो उसने बापूजी के पैर छू लिए, अच्छा साहेब आज के बाद गुड़ नहीं खाऊंगा। तो महिला को बड़ी गुस्सा आई कि बेकार में हमारे 5 रुपए लग गए इतनी दूर से आने जाने के। ये बात इतनी सी तो आप उसी दिन बोल देते, आप उसी दिन बोल देते ना इतनी सी बात। मेरे को उस दिन गई, फिर आज वो लेके आना पड़ा और 7 दिन में जितना गुड़ खा गया। ये बात आप उसी दिन क्यों नहीं बोली? तो गांधी जी ने कहा बहन तब तो मैं खुद ही गुड़ खाता था, तो इसे कैसे कहूं। लेकिन अब मैंने जब 7 दिन गुड़ खाना छोड़ा है, अब यहां की भाषा में बोलता हूं, तो मेरे वचन की पूर्ण रिद्धि इतनी प्रकट हुई है कि अब मेरे कहने मात्र से काम हो गया। आपको बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, आपके जीवन में वाणी की रिद्धि वचन बल खत्म हो रहा है। क्या? जब आप खुद अंतर में दोषी होते हैं तो सामने वाले से कुछ कह नहीं सकते। कहूं खोटी बात, कहूं खोटी चेष्टा। जब शादी के पहले आपके परिणाम में रामपना नहीं हो तो आप सीता की अपेक्षा कैसे करेंगे? जब आपकी खोटी मन वचन काय की चेष्टाएं रही हो तो आप अपने विवाह के बाद कुछ कहने के लायक नहीं बचते। और इसीलिए जब आप कहते हो कि ठीक से रहा करो तो वो कहती चुप रहो। अब आप मारपीट पे उतर आते हो, धमकियां देते हो, मैंने एक दृष्टांत दे रहा हूं। तो ठीक है, वो मजबूरी है, उसे कहीं जाना नहीं है, रहना ही है, तो अपने पति को बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन आपकी वचन की रिद्धि, वचन का बल, वचन की पवित्रता, वचन का पुण्य नष्ट हुआ। एक दृष्टांत दिया मैंने, ये भारत भर के लिए झूठा दृष्टांत है, समझाने के लिए केवल, उल्टा नहीं पकड़ना कोई। मेरा मतलब ये है कि जब आपका निर्णय और प्रतीति ठीक नहीं होती है तो आपका वचन बल कमजोर होता है। मैं एक बात कहता हूं, वही बात जब मैं कहता हूं तो पब्लिक नहीं सुनती है, और वही बात स्वामी जी कहते थे तो पूरा देश सुनता था। डॉक्टर साहब ने एक बहुत मार्मिक बात, जब द्विसहस्त्राब्दी मनाई गई आचार्य कुनकुन स्वामी की, एक बात उन्होंने कही, हमने पूरे जैन समाज ने मिलकर के लाखों रुपए खर्च किए, पूरे देश में सहस्त्राब्दी मनाई, लेकिन हम उसका 1% काम नहीं कर पाए। और जो गुरुदेव श्री ने बिना संस्था बनाए बिना कुछ करे, एक व्यक्ति ने पूरे विश्व को हिला दिया। माने जो काम हम पूरे साल भर में लाखों रुपया खर्च करके प्रवचन सीडी कैसेट रिकॉर्डिंग जे निबो सब करके भी नहीं कर पाए, वो काम गुरुदेव ने अकेले किया था। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब एक है, आपने पहले तो एक अपनी पवित्रता नहीं बढ़ाई, मन वचन काय की पवित्रता नहीं करी आपने, तत्वाभ्यास नहीं किया, और तत्वाभ्यास भी किया तो उसका निर्णय ऐसे किया, अब जिन मारने की बात तो जिन मारनी में रखो भैया, अपन सम्यक दृष्टि तो है नहीं, अपन पंचम गुण स्थानवर्ती तो है नहीं, अपन तो भैया मंदिर की बात मंदिर में ही रखो। माने ऐसी सोच के साथ आपकी विपरीत मान्यता, बिना रिश्वत के काम नहीं होता। सही बात है, अब आपका कोई काम बिना रिश्वत के नहीं होगा। यदि आप ठान लो न्याय नैतिकता से काम हो तो हो, और नहीं हो तो मत हो। आपको देखकर आश्चर्य होगा, आपकी पाप प्रकृतियां तक पुण्य में कन्वर्ट हो जाएंगी। आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी पाप प्रकृतियां भी पुण्य में कन्वर्ट हो जाएंगी, और तब आपके वे काम तक हो जाएंगे जिनके लिए आपने कभी सोचा तक नहीं था। मैं आपको
एक नहीं सैकड़ों दृष्टांत दे सकता हूं, बिल्कुल कल्पना भी नहीं होती थी कि ऐसा काम होगा और हो गया। लेकिन मैं सारे दृष्टांत नहीं दे रहा हूं, मैंने गुरुदेव श्री का सबसे बढ़िया दृष्टांत दिया है। उन्होंने केवल आत्म कल्याण के लिए जीवन निकाला था, उन्होंने पुण्य पाप का भरोसा किया था, मैंने रोटियों के दीक्षा रोटियों माटे दीक्षा नहीं ली और रोटियों के लालच में जैन शासन नहीं छोड़ दूंगा, जगत का कोई भी प्रलोभन मुझे डिगा नहीं सकता, आपके डंडे आपके काले पर्दे क्या कहलाते हैं झंडे आपके मुझे हिला नहीं सकते। और सचमुच वो काम हुआ जो सदियों तक कोई कर सकेगा ऐसा दिखाई नहीं देता अभी। आपके समझ में आया? आपके मन वचन का है कि पवित्रता, आप ये क्यों सोचते हैं कि चोरी के बिना काम नहीं चलेगा? आप नौकरी करने जाते हैं, कोई बीड़ी चुराता है, ट्रैफिक पुलिस वाला बीड़ी में ही खुश हो जाता है, ऊपर वाला होगा तो थोड़ा 5-10 रुपए ले लेता है, और ऊपर वाला गया तो टीए अलाउंस में चुरा लेता है, और वाला गया तो उससे मैंने करोड़पति को भी चोर है, अरबपति भी चोर है, खरबपति कौन नौकरी की बात कर रहा हूं अभी, और बिजनेस में है तो भी। मैं एक बात कहता हूं, गलत रास्ते से आने वाला पैसा क्या होगा उसका एक गणित में उदीर्णा में समझाऊंगा। आज उदीर्णा का प्रकरण लेना है, उसे मैं समझाऊंगा। पहले ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, आप कलेजे पे हाथ रखकर सोचिए, महावीर भगवान का कर्णान योग तीनों काल सत्य है कि चौथे काल में सत्य था? ये सोचो बस, क्या बोला मैंने, महावीर भगवान का ये कर्णान योग ये केवल चौथे काल में सत्य था कि आज पंचम काल में भी सत्य है? यदि आपको भगवान बनना है भूल करके भी किसी भी टाइप की अन्याय अनैतिकता मिलावट नकली दवाइयां ये रिश्वत कुछ नहीं करना। देखो 50 साल 70 साल 60 साल 80 साल जितना होगा इस देह का, इसका पैकेज तो पक्का लिखा हुआ है भगवान के केवल ज्ञान में, झलक रहा है क्रमबद्ध में, झलक रहा है, झलक रहा है बिल्कुल। और आपका जब इस देह में आए थे ना आप, उसका पैकेज है पूरा जिंदगी भर का, आपको रोटी कपड़ा पत्नी बच्चे जितना पुण्य है उतने से किंचित कम नहीं होने वाला है। लेकिन जब आप सोचते हो कि मेरी मिथ्या चतुराई से, क्या कहना चाहिए, मायाचारी से, छल प्रपंच से मैं इसको राजी कर लूंगा, मैं समाज में इस तरह कर लूंगा, मैं बॉस को खुश कर दूंगा, मैं जल्दी प्रमोशन ले लूंगा, जब आप ऐसा सोचते हो तो प्रमोशन तो मिला था पहले से पैकेज के अनुसार, जन्म से पहले जो पैकेज लेके चले थे पूर्व भाव से हुआ तो उससे है। लेकिन आपने एक तो अपकर्षण कर लिया पुण्य का, दूसरा पुण्य को पाप में संक्रमित कर लिया, और गलत काम यदि होता है तो करोड़ गुना पुण्य अपकर्षित होकर 100 पॉइंट रहा तब कोई काम हुआ है, बाकी काम उदीर्णा में समझाएंगे। मैंने 2-3 बार ये बात बोली है, समझ में आया आपको? हम लोगों में से गलत सोच जो चलती है वो कभी नहीं रखना, मेरी चतुराई से काम हुआ, बिल्कुल झूठी बात, आपको मिथ्यात्व है, आपकी चतुराई से कोई काम नहीं हुआ। ये काम जितने होते हैं वो सब काय के उदय से होते हैं, पुण्य के उदय से। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ऐसे बहुत सारे प्रकरण इसमें हैं। वर्तमान में कितने ही त्यागियों को व्रतियों को भी, आगे मैं नहीं कह रहा हूं समझ लेना, त्यागी व्रतियों से आगे, उनको ऐसा लगता है कि समाज अध्यात्म सुनकर के नहीं चेतेगी, समाज अध्यात्म सुनने लायक नहीं है, समाज को तो केवल कथा कहानी करो, दान पूजा पाठ के लिए बोलो और अपना अपना करोड़ों का फंड जोड़ लो, क्योंकि समाज भोजन नहीं करा पाएगी। ये मिथ्या मान्यता, समाज भोजन नहीं करा पाएगी, अपना ही एक व्यवस्था बना लो तो अच्छा है। इसीलिए आज उनके भोजन की व्यवस्था नहीं रही और इसीलिए उन्हें अपनी व्यवस्थाएं करनी पड़ी, करोड़ों के फंड जोड़ने पड़े, टेकरी बनानी पड़ी, आश्रम बनाने पड़े और जगह जगह अपना एक बड़ा खासा समझ लीजिए करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी खड़ी करी और आज पूरी तरह से बिल्कुल मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं। समझ में आया वो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरे समय में भी ये बात थी, सब लोग कहते थे भैया आजकल शुद्ध भोजन नहीं मिलता, कोई शुद्ध भोजन नहीं देगा। मैं कॉलेज में पढ़ाता था तब भी मेरी मान्यता थी कि शुद्ध भोजन मिलेगा,
मिलेगा। अभी समाज बांझ नहीं हुई है, अभी जैन शासन को 18,500 वर्ष चलना है, अभी भी समाज में शुद्ध भोजन की व्यवस्था होगी। मैंने आज दिन तक, तब भी मैं कहता हूँ, तब भी जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था 21 साल की उम्र में, उस समय भी मैंने शुद्ध भोजन किया, बनाया। और जब भी प्रदूषण या कहीं भी गए हों, साल भर शुद्ध भोजन किया। सब लोगों को लगता था आपको कलकत्ता में बम्बई में कभी नहीं मिलेगा, मत मिलने दो, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन जिस दिन बॉम्बे में आना हुआ, मैं देखता हूँ आज बॉम्बे में 500 घर ऐसे हैं, 500 जहाँ आज शुद्ध भोजन करने की व्यवस्था है और कराने की व्यवस्था है। मैंने क्या है, वो एक उर्दू की कहावत है, हिम्मत मर्द हिम्मत खुदा, ऐसा कुछ है ना। हाँ तुम ज्यादा जानते, मैं तो मालूम ही नहीं मुझे था। समझ आया। मैंने आप ऐसा क्यों सोचते कि नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं विद्वानों को भी, आपने पहले ही सोच लिया कि टाटा का नमक मिलेगा भैया और बाजार का पिसा हुआ आटा मिलेगा। आप कमजोर हुए तो आपका पुण्य कमजोर हुआ, उपादान कमजोर हुआ तो निमित्त कमजोर हुआ। मैं जब पहली बार बॉम्बे आया था बोरीवली में, पहली बार मैंने एक दिन भी और कोई पानी नहीं पिया, कुआ का पानी पिया। उधर भी कुआ था और आज इधर ठहरे हैं तो इधर भी कुआ है। मेरा मतलब है कि आप ये स्थान लीजिए, आपका पुण्य आपका व्यवस्थापक है। लेकिन हम अपने पुण्य को कमजोर कर लेते हैं, हम अपनी स्वच्छता बढ़ा लेते हैं, परिणाम ये निकलता है कि देश की व्यवस्था खराब हो जाती। उपादान के लिए निमित्त मिलते ही है, बैंसरी के वचनामृत, उपादान तैयार हो निमित्त नहीं मिले ऐसा कभी हो नहीं सकता, नहीं तो 14 ब्रह्मांड को पलट जाना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा, पलट जाए। क्या गजब है ताकत, तो देखो बोल्डनेस। मैं आपसे फिर कहता हूं, अभी भी 18,500, आप बहुत गलत सोचते हो, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना फर्जियात के बिना काम नहीं चलेगा, धोखा झूठ इसके बिना काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूं काम ईमानदारी से होगा, होगा और होगा। मैं इसके लिए अभी सैकड़ों एग्जाम्पल, अभी भी आप समाचार पत्र पढ़ लीजिए, उसमें भी मिल जाएंगे आपको। वर्तमान के आप परिसर में देखिए, परिवेश में देखिए, आपको वहां भी मिलेंगे। आज भी ऐसे ईमानदार लोग हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप स्ट्रगल नहीं करें, नंबर एक। नंबर दो, आप अनैतिकता की सोच रखें। ध्यान रखना, आपको अनैतिकता से पैसा बढ़ के नहीं मिलता, कभी कभी नहीं मिलता। केवल पुण्य का आकर्षण होता है और पाप का उत्कर्षण होता है। अब मैं एक बहुत सुंदर गणित उदीर्णनाथ के नाम से समझा रहा हूं आपको, इसकी चर्चा होगी तो आगे के दिनों में भी, लेकिन अभी समझाता हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग। नाम क्या बोला मैंने, नाम क्या बोला मैंने, नाम क्या बोला मैंने, उदीर्णनाथ। उदीर्णनाथ की परिभाषा सुनो, लेश्या के निमित्त से, काय के निमित्त से, ये तो आपको याद ही हो गई होगी, सभी में लेश्या आ रही है, सभी में लेश्या आ रही है, आपको याद हो गई होगी। लेश्या के निमित्त से, ध्यान से सुनना जरा, भविष्य के कर्मों को वर्तमान में उदय में ले आना। भविष्य के कर्म आने थे, भविष्य में आने थे, भविष्य में कब आने थे, वो भविष्य में, लेकिन उनको वर्तमान में ले आना, उदय में ले आना। समझ गए, याद हो गया, भविष्य के उदय में आने योग कर्मों को वर्तमान में उदय में लाना। ध्यान रखना, क्रमबद्ध पर्याय इसमें टूटती नहीं है, समझाने की शैली है, निमित्त प्रधान शैली है, इसलिए उल्टा नहीं पकड़ना। आपने कर्म तो बांधा था लाखों बरस का, लेकिन वो अभी उदय में आ गया, तो ऐसा कैसे होता है वो मैं समझाऊंगा आपको। समझ में आया कुछ, एक बार बोलो जरा, भविष्य में उदय आने योग कर्मों को वर्तमान में उदय में ले आना, इसका नाम उदीर्णा। याद हो गया सबको, अभी ध्यान से सुनना, 9:10:02 पर आने वाले कर्म थे उतने ही बजे आए, इसको तो कहते हैं उदय। 10 बजे जो कर्म का उदय आने वाला था वो 10 बजे आया, इसका नाम तो है उदय। लेकिन जो 11 बजे आने वाला था वर्तमान परिणाम के उदय से, उसको अभी ले आए 10 बजे, उसका नाम है उदीर्णा। अंतर समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए, केवल 10-5 मिनट तक ऐसा ध्यान चाहता हूं
कि एकदम मेरी ओर देखेंगे आप। हालांकि डिस्टरबेंस बहुत है, गर्मी भी बहुत है, लेकिन फिर भी मैं सिद्धांत समझा रहा हूं और बहुत सीरियस सिद्धांत है और बहुत मजेदार है। समझाऊं, शुरू करूं? नींद तो नहीं आएगी? पक्का? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे जरा इस सिद्धांत को। जो जीव स्वर्ग में जाते हैं ना, स्वर्ग में वह पाप का उदय नहीं आता। क्या बोला मैंने? स्वर्ग में किसका उदय नहीं आता? स्वर्ग में किसका उदय नहीं आता? पाप का। बराबर, नरक में पाप का, नरक में पुण्य का उदय नहीं आता। काय का उदय नहीं आता? ये मैक्सिमम की अपेक्षा से बात है, प्रधानता की बात है, मुख्यता की बात है, नहीं तो आप सर्वथा नहीं लगाना। अभी नरक में साता का उदय नहीं आता और स्वर्ग में असाता का उदय नहीं आता। याद हो गया सबको? पक्का? अभी ध्यान से सुनना, मनुष्य, मनुष्य की बात कर रहे हैं और की बात नहीं कर रहे हैं। मनुष्य हर अंतर्मुहूर्त में पुण्य भी बांधता है और पाप भी बांधता है। ये तीसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या हो गई? मनुष्य अंतर्मुहूर्त में पुण्य भी बांधता है, पाप भी बांधता है। इसका मतलब है प्रत्येक जीव के पास दो अकाउंट है प्रति समय। तीन शर्त याद हो गई सबको? तीन शर्त याद हो गई? स्वर्ग में क्या नहीं आता? पाप का उदय। नरक में क्या नहीं आता? पुण्य का उदय। और मनुष्य के पास कितने अकाउंट है? दो। कौन कौन से? बिल्कुल ठीक, तीन पॉइंट याद हो गए आपको। अभी जरा मेरी ओर ध्यान से सुनना, बिल्कुल, बस हम जल्दी से ही पॉइंट पे आ जाएंगे एकदम। मेरा एक प्रश्न है कि जिस जीव ने नरक का बंध कर लिया, उसके करोड़ों वर्ष के पुण्य का क्या होगा? जो जीव ने स्वर्ग का बंध कर लिया, स्वर्ग आयु का बंध कर लिया, तो स्वर्ग जाएगा वो, तो उसने करोड़ों वर्ष का जो पाप भी तो बांधा था ना, हर अंतर्मुहूर्त में, हर अंतर्मुहूर्त में पाप भी बांधा, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? तो उसका उत्तर मैं बता रहा हूं, बहुत मजेदार उत्तर है, सुनना ध्यान से, कि ऐसा जीव जो स्वर्ग जा रहा है, वो लाखों वर्षों को पाप को अपकर्षण करके कम करेगा। लाखों वर्षों का पाप 20 साल, 30 साल, 40 साल, 15 साल इतना संक्रमित कर लेगा। माने लाखों वर्षों का पाप, अपकर्षण होता ना, अपकर्षण, अपकर्षण जब अच्छे काम करेगा तो क्या होगा? अपकर्षण होगा पाप का, पाप का अपकर्षण हो जाएगा। तो एक फायदा तो ये निकला, जो शुभ लेश्या में हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शांति से रहते हैं, तो एक फायदा तो ये हुआ, जो लाखों बरस का पुण्य पाप बांधा था, वो 15 बरस हो गया, 30 बरस हो गया, 20 बरस हो गया, 5 बरस हो गया, 8 बरस हो गया, 10 बरस हो गया। एक फायदा तो ये मिला शुभ लेश्या वालों को। एक फायदा समझ में आ गया? किरीट भाई समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? लाखों वर्षों का पाप और उसने 15 वर्ष कर लिया, केवल 10 वर्ष कर लिया, एक फायदा हो गया सीधा सीधा। किनको? शुभ लेश्य वालों। माने हम जो मंदिर में आ रहे हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं, स्वाध्याय संयम करते हैं, तो एक तो हमें स्वर्ग जाना है, नंबर एक, ये तो पक्का हो गया। लेकिन अभी अंतर्मूर्त में पाप भी तो कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बीच बीच में अशुभ भाव भी आ जाते हैं, खोटे भाव भी आ जाते हैं, अनवांटेड थॉट्स भी आते हैं, तो उनका पाप भी लग रहा है। तो गजब बात यह हो गया कि उन सबको समेट कर हमने 15-20-30 साल कर दिया, एक आकर्षण का फायदा हुआ। अभी ध्यान से सुनना सभी लोग, अब ये जीव लाखों वर्षों का पाप यहीं भोगेगा, यहीं भोगेगा, यहीं। इसीलिए धर्मात्मा संकट में दिखाई देते हैं, इसीलिए धर्मात्माओं को, ईमानदार जीवों को, बेईमानी नहीं करने वालों को, छल प्रपंच नहीं करने वालों को, धर्मात्मा सास बहू से पैरी जाती है, धर्मात्मा बहू सास के द्वारा, ऐसे घर बहुत कम होंगे, सास बहू दो ही सरखी हुए, पति पत्नी दो ही सरखे हो, बहुत दुर्लभ 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 रत्न जैसी बात है, बाकी तो लगभग कहीं ना कहीं रहता ही है। अब एक बात समझ में आ गई आपको? यदि आपको स्वर्ग जाना है, तो आपको 15-20 वर्ष का पाप तो यहां भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए।
नंबर वन इसका। अब और आगे चलो, अब जो नरक जाते हैं ना वो लाखों वर्षों का पुण्य 15-20 साल कर लेते हैं, 25 साल कर लेते हैं, करोड़ों वर्षों का पुण्य 25-30 साल कर लेते हैं, और वे जितना जितना पाप करते जाते हैं उनका पुण्य का उदय आते जाता है। करते हैं वे पाप, लेते हैं रिश्वत, परिस्त्री सेवन, वेश्या सेवन, ऐसा ना वैसा ना, रात्रि भोजन, लेकिन वे अपने पुण्य का आकर्षण करते हैं। पुण्य का क्या कर रहे हैं वो? आकर्षण, देख रहे हैं आप इसकी सीध में, पुण्य में क्या कर रहे हैं वो? आकर्षण। कृष्ण नील कापोत लेश्या वाले अपने करोड़ों वर्ष जो उन्होंने बड़ी मेहनत से पुण्य किया था वो सबको समेट कर 25 साल कर लेते हैं, और 25 साल करने के बाद वो जितना जितना पाप करते हैं पुलिस भी उनका कुछ नहीं करती, समाज वाले भी उनको दंड नहीं देते, परिवार वाले भी दंड नहीं देते, और सारी दुनिया को लगता है देखो कोई तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा, क्या बिगाड़ लेगा कोई, खूब चोरी कर रहे हम तो क्या बिगाड़ लिया, इनकम टैक्स 25 साल से चुरा रहे हैं हम, नीचे से ऊपर तक सेटिंग है हमारी कुछ नहीं बिगड़ा, देख लो, देखो हमने 5 लाख रुपए दिया बच्चे का एडमिशन हो गया। माने ऐसे लोग 10-25 साल तक तो वो जो करोड़ों बरस का पुण्य था ना वो 25 साल में खत्म कर लिया, वो करोड़ों बरस का पुण्य कितने में खत्म कर लिया? 25 बरस में। तब तक वो गर्व के साथ कहता है कोई बिगाड़ के देख ले, कोई हमारा बाल का बांका करके देख ले, बिल्कुल पक्की सेटिंग है। लेकिन अब लेकिन बताता हूं, लेकिन रावण ने 6 महीना मजा किया चला गया, लालू प्रसाद ने 5,000 करोड़ रुपया का घोटाला, मालूम है सबको, पता है सबको, नए बच्चों को कम मालूम होगा क्या है, 5,000 करोड़ रुपए की घास खा गया हाँ लालू प्रसाद ने मैंने इतना पुण्य का उदय कोई कुछ नहीं कर पाया, कोई इनकम टैक्स की कमेटी बैठी कुछ नहीं, सीबीआई बिठाई कुछ नहीं, ऊपर से रेल मंत्री बन गए, 5 साल तक टिकट नहीं बढ़ाया, नंबर 2 में खूब पैसा बढ़ाया टिकट का, और पूरे वर्ल्ड में फेमस मैनेजमेंट गुरु, 250 चैनल टाइम मांग रहे हैं उसका, पूरे वर्ल्ड में दिखाए जा रहे, पुण्य का उदय आया, इस साल चुनाव में हारे गए। जब तक पुण्य का उदय रहा जेल में तक गर रहे, राबड़ी देवी को क्या कैसे कैसे तोड़ फोड़ कर करा के अंगूठा छाप राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज की हालत में आप मालूम है क्या हो रहा है, 25-30-35 साल तक सद्दाम हुसैन ने जो मन में आया किया, जो लाखों लोगों को मरवा दिया, गोल्ड की ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनवाई अंदर अंदर पेंटिंग, ये गोल्ड की, गोल्ड का टब, माणिक मोतियों का हवाई जहाज, मतलब गोल्ड का, लेकिन जब जब खलास हुआ पुण्य तब जमीन के बिल में से निकले चूहे की तरह, 4x4 का गड्ढा उसमें से निकले, और आज की तारीख में जिस तरह से मरण हुआ है कौन से नरक गए होंगे, वहां क्या स्थिति हो गई लाखों बरस तक, कोई को होश नहीं। मेरा एक प्रश्न आपसे, आपको नहीं समझ में आया तो पहले सिद्धांत के लिए मैं बहुत एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल समझ में आ जाएगा तो मैं इसे कल बहुत अभी एक्सपेरिमेंट बताऊंगा आपको और ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन। एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि वर्तमान में 10-25 साल का मजा और लाखों बरस का नरक है। वर्तमान में 10-25 साल सत्य के लिए संघर्ष है, गांधी जी की तरह, स्वामी जी की तरह सत्य के लिए संघर्ष है। अपयश होए तो होने दो, जगत भोजन भी नहीं दे तो मत दो, उपहास करें करने दो, लेकिन आपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक जाना है, भगवान आत्मा जाना है, आपने आपको अध्यात्म मिला है, आप सत्य से चलित मत हो। अभी मोक्ष तो होना नहीं सीधा यहां से, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मोक्ष नहीं होना है तो स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, बोलो बोलो। अरे मोक्ष तो यहां से होना ही नहीं, डायरेक्ट ट्रेन तो अभी है नहीं, जंक्शन बदल के जाना पड़ेगा, स्वर्ग। आगे पीछे वाले बोलो जरा,
नरक और स्वर्ग में दो ऑप्शन है, जल्दी बोलो। बोल ही नहीं रहे, नरक जाने की मन है क्या? फिर से पूछ लेना, अब एक साथ आवाज आनी चाहिए। नरक जाना कि स्वर्ग? डरो मत, असल में अपन अध्यात्म प्रेमी हैं तो स्वर्ग से डरते हैं। मैं भी नहीं चाहता कि आप स्वर्ग जाओ, लेकिन आखिरकार दो ऑप्शन में से कहां जाओगे आप? अब एक बात बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल पक्की है, यदि आप स्वर्ग जाओगे तो यहां 10 से 25 साल तक पाप का उदय आएगा, रोग आ सकता है, प्रतिकूलता आ सकती है, कदम कदम पर बाधाएं आ सकती हैं। मैं आपसे कहता हूं, ऐसी महिलाएं होंगी बहुत धर्मनिष्ठ हैं, बहुत अच्छी हैं, इसके बावजूद सास के सामने नहीं चलती, पति के सामने नहीं चलती, बच्चों के सामने नहीं चलती, और वो हैरान रहती है और हैरान की जाती है, कभी एक पैसे का इधर से उधर नहीं करती, और जिठानी करती हो, देरानी करती हो, और वही उल्टा इस पे नाम लगा दें, इल्जाम लगा दें, दुख दे देवें, बंटवारे में उसी को पैरे बाहर से कम देवें, लेकिन 10-25 साल आपको संघर्ष करना, ज्यादा नहीं 10-25 साल की बात ही है, 10-25 साल की ही बात है बस, लेकिन लाखों बरस का पुण्य स्वर्ग में मिलेगा। और या फिर एक काम कर लो, आप मंदिर तो आते ही हो, स्वाध्याय करते ही हो, लाखों वर्ष का पुण्य तो बन रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन आप दिन भर का किया हुआ पुण्य जब ये सोचते हैं अन्याय करें, मिलावट का पैसा कर दें, बेईमानी कर देवे, रिश्वत ले लेवे, रिश्वत दे देवे, जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपके लाखों वर्षों का पुण्य अपकर्षित होकर के 10-15 साल का रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे रिश्वतखोर ज्यादा से ज्यादा 10-25 साल तक चलते हैं, 35 साल चलते हैं, 20 साल चलता, कोई 5 साल चलता है, पर एक ना एक दिन पकड़ा जाता है, न्यूज़पेपर में इनके नाम ढेरों मिल जाएंगे आपको। 25 साल तक किया, बाद में एक दिन छापा पड़ा, करोड़ों रुपए गद्दे में से निकाले गए, करोड़ों रुपए बैंक में से चले गए, लॉकर सीज कर दिया गया, बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए, पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में आपने। आप उस दिन की मानसिकता देख सकते हैं, 25 साल बाद जब ये रेड पड़ती है तब उसकी हालत क्या होती होगी? बेटे नफरत करते हैं, पड़ोसी नफरत करते हैं, रिश्तेदार नफरत करते हैं, पत्नी की नजर में गिरते हैं, बच्चे भी कहते हैं कि जब बच्चे मार्केट में मैंने स्कूल खेलने जाते हैं ना, पढ़ने जाते हैं, सब लोग बोलते हैं अरे तेरा पप्पा तो चोर है, तेरा पप्पा तो, मैंने जब वो सुनते हैं, आप पूरे घर की मानसिकता समझ सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, गलत काम करने का सफलता मिलती है उदीर्णा से, क्या बोला? गलत काम करने की सफलता कैसे मिलती है? उदीर्णा, उदीर्णा समझ गई? मैं एक आध दृष्टांत देके बताऊं, मैं यहीं पर बैठे बैठे किसी को डांट दूं, किसी का नाम लेकर डांट दूं, नाम मैं नहीं ले रहा हूं, किसी का नाम लेकर कह दूं ये चोर है, कह दूं किसी का नाम लेकर, तो हो सकता है भरी सभा में मेरा पुण्य का उदय हो तो कोई प्रतिकार ना करे, बोलेंगे चलो भैया वो 4 दिन की बात है, चले जाएंगे पंडित जी, चले जाएंगे। तो मैंने डांट दिया, गलत नाम लगा दिया, आरोप लगा दिया, आप में से कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मन ही मन आपको सबकी नजरों में क्या हुआ? जो अपेस प्रकृति का उदय आया, देखो किसी ने मेरे सामने कुछ नहीं कहा, ये मेरे पुण्य का उदय है, मेरे पुण्य के उदय के सामने आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अंदर अंदर जो हमारा ग्राफ गिरा है पुण्य का, जो अपयश हुआ है, आप चाहें तो इसे पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हैं। भैया सुमत प्रकाश जी आए थे भरी सभा में, उन्होंने सेठ जी को ऐसा कहा, पंडित जी को ऐसा कहा, मैंने आप बताइए क्या होगा? एक बच्चे को भी कह देंगे ना तो आप कहेंगे पंडित जी बहुत बेवकूफ हैं। मैंने कहने का मतलब ये निकला, एक छोटी सी घटना मेरे सामने पुण्य के उदय में आप प्रतिकार नहीं करेंगे, लेकिन पाप का बंद तो होगा, पाप का उदय तो अभी नहीं आएगा, आएगा लेकिन दृष्टांत बहुत है कि और देने पड़ेंगे। फिर से कहता हूं भैया, इसमें से 2 शिक्षाएं लेना, जीवन में सत्य के लिए संघर्ष करते रहना, सत्य के लिए, ईमानदारी के लिए, आत्मकल्याण के लिए, भगवान बनने के लिए। मुझे मालूम है ब्रह्मचर्य के मार्ग में चलता हूं ना, मुझे मालूम है कदम कदम पर लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मुझे मालूम है। एक लड़का भी पंडित बन जाए, प्रवचनकार बन जाए, उसे कितनी बातें सुनना पड़ती हैं।
एक लड़का इंजीनियर बन जाए ना और वो सिगरेट पिए तो ज्यादा कोई कुछ ज्यादा क्या कोई कुछ कहता ही नहीं है। यदि 50,000 रुपए पगार लाता हो लड़का तो मम्मी पप्पा भी धीरे से थोड़ा सा बोलते हैं, बेटे शराब नहीं पिया करो, सिगरेट नहीं पिया करो, रात्रि भोजन नहीं किया करो, दो चार बार कहके छूट जाते हैं। अब क्या करें, मानता तो है नहीं। माने आप देखो, मैं कल्पना करता हूं यदि हमारा एक शास्त्री विद्वान हो, एक प्रवचनकार हो, जरा सा जींस पैंट भी पहन लेने शर्ट तो सब लोग कहते हैं माने। जबकि जैसे आप एमए करते हैं, बीए करते हैं, शास्त्री माने बीए की डिग्री, आचार्य माने एमए की डिग्री, लेकिन सारी दुनिया जो शास्त्री करेगी ना उसे हैरान जरूर करेगी। ए खड़े खड़े खाए थे, खड़े खड़े खाते हो, बस सारी दुनिया खाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शास्त्री सुधर गया है ना माने वो अच्छे मार्ग में आ गया है ना, इसलिए उसे टोका जाएगा। ऐसा एक नहीं, शास्त्री बनते से उसके ऊपर 1000 पाबंदी है, उसे ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए, रात में पानी नहीं पीना चाहिए, और शादी तो करना ही नहीं चाहिए। अब तो करने देते हैं, पहले तो यदि जब नए नए विद्यार्थी थे ना, जब शुरुआत की दूसरा बैच, पहला बैच तो बाल ब्रह्मचारियों की प्रधानता वाला था है ना, दूसरा तीसरा बैच में जब सारे समाज को ऐसा लगता था ए शास्त्री शादी कर रहे, तब डॉक्टर साहब को समझाना पड़ा कि भैया जैसे बीए एमए के विद्यार्थी है ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं ये। मेरा समझ में आया आपको? मैंने बिगड़ा हुआ लड़का को दुनिया में कोई कुछ नहीं कहता, और सुधरे हुए लड़के को सारी दुनिया सुधारने के मूड में रहती है। अब इसमें से मर्म की बात समझो, एक तो अपने जीवन में कभी धर्मात्माओं का अभ्यास होए तो धर्मात्माओं से गिलानी नहीं करना, धर्मात्माओं के जीवन में संघर्ष देख करके ये नहीं सोचना कि धर्म करने लायक नहीं है, ये नहीं सोचना। बैठ, समझ में आया? कभी ये नहीं सोचना। आदिनाथ भगवान को दीक्षा नहीं ली तब तक तो स्वर्ग से भोजन की व्यवस्था, स्वर्ग से भोजन, सोधर्म इंद्र ने पूरे जिंदगी कपड़ा गहना सब, और दीक्षा लेते से ही उदीड़ना शुरू हो गई। दीक्षा लेते से ही पारसनाथ भगवान जब तक घर में रहे कोई संकट नहीं, दीक्षा लेकर के केवली होने जा रहे हैं तब 7 दिन तक उपसर्ग, 7 दिन तक उपसर्ग। अब मैं फिर कहता हूं, आज सीता और अंजना को हम इतने याद करते हैं, लेकिन सीता और अंजना निर्दोष सतियां होने पर उदीर्णा ने नहीं छोड़ा, उदीर्णा ने नहीं छोड़ा। क्यों? इन्हें स्वर्ग में जाना है, वहां से आना है लौट करके, मोक्ष में जाना है। तो आप कर्मों को जल्दी जल्दी निपटाओ, काय को निपटाओ। एक बहुत अच्छा सरल एग्जाम्पल दूं, सरल एग्जाम्पल, आप तकलीफ में है ना, तकलीफ में तो सब आपको कर्जा दे देते हैं, तकलीफ में ना आपने सबसे कर्जा ले लिया, कोई बात नहीं है। लेकिन जब पुण्य का उदय आए और बहुत पैसा हो आपके पास, तो जो कर्ज जिन्होंने दिया था वो क्या करेंगे? जल्दी जल्दी आएंगे, जल्दी जल्दी, जब आपके पास पैसा है तो जल्दी दो, समझ गए आप? ऐसे ही अभी आपका पुण्य का उदय ज्यादा आने वाला है, आप पूरा कर्जा हानि का पाप का जल्दी जल्दी दे दो, इसलिए वो पाप का उदय जल्दी जल्दी आ जाता है। फिर कहता हूं भैया, पापी लोग बड़े बड़े पाप करने पर भी दुनिया कुछ नहीं कह पाती, और थोड़ा भी धार्मिक थोड़ा भी काम करने जाएगा तो उसे बहुत बहुत कहा जाएगा, टोका जाएगा। 2 बार कह दी मैंने बात। फिर कहता हूं, जिन्हें सम्यक दर्शन चाहिए हुए और धर्मात्मा माने धर्म करना हो, आत्मकल्याण करना हो, उन्हें इस बात के लिए कमर कस लेना चाहिए, ये आपकी परीक्षा होगी। अपन कहते भी हैं कि मैं सीधा सच्चा हूं, मुझे परेशान करते हैं, और ये लोग इतना करते हैं, इनसे कोई कुछ नहीं कहता। देखा होगा आपने, घर में 2 लड़के हों, 2 लड़के, एक लड़का 100 गालियां देता है तो 2-4 बार कह के सब चुप हो जाते, कोई कुछ नहीं कहता, और धर्मात्मा 1 गाली दे तो, समझ गए आप, धर्मात्मा
पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। देखो और सरल दृष्टांत देता हूं, अभी आप लोग अभी निकल के कोको कोला पी लो इस ड्रेस में, बाहर लोग ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, भैया ठीक है अब आजकल के बच्चे हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। और सुमत प्रकाश जी रात को पीने की बात नहीं कर रहे, दिन में भी कोको कोला पीने की बात नहीं कर रहे हम, दिन में भी मात्र कोको कोला की बोतल है, उसे 50 बार धोया मांजा, वो जो मिनरल वाटर की बोतल है ना, उसको 50 बार धोया मांजा अंदर बाहर से, और फिर कुएं का पानी उबाल करके रखें, और वो वाला पानी आप सबकी सभा में पिए, सभा में मतलब रेल यात्रा में, तीर्थ यात्रा में, कहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा क्रीड भाई, देखो गजब बात, माने आप लोग काले कपड़ों में रहकर कुछ भी करो और सफेद कपड़ा वाला शुद्ध पानी पीवे तो भी आपत्ति का विषय, समझ गए होंगे आप। माने जैसे जैसे इस मार्ग में जाते हैं, मुनि मार्ग में जाते हैं, वैसे वैसे उपसर्ग और परिसर बढ़ते जाते हैं। एक दिगंबर मुनिराज जंगल में रहते हैं, घनघोर अंधेरा, दीपक नहीं, लाखों मच्छर झूमते हैं रात भर, लाखों मच्छर झूमते हैं, रात को सिंह आ सकता है, सर्प आ सकते हैं, बिच्छू आ सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, ओहो, लेकिन इतना उपसर्ग परिसर जीतने वाले मुनिराज करोड़ों गुना निर्जरा करते हैं, उदीर्णा करते हैं, उदीर्णा, और ऐसे जी मोक्ष जाते हैं। अब मुझे आपसे फिर पूछना है, सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा 10-25 साल, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, फिर करोड़ों साल का मजा है, मत करो तो फिर 25 साल यहां मजा करो, पकड़े तो जाते ही हैं, देखो पकड़े तो जाते ही हैं, कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं से तकलीफ आती है, लेकिन नहीं भी आए तो पुण्य का उदय, इसके बाद जो पाप का रिमेनिंग बैलेंस रहेगा वो कहां जाएगा, नरक में। अब आप इन दो बातों का विचार करना, मैं इसलिए बात कहता हूं, अभी भी हम सब जिनवाणी तो पढ़ते नहीं है, देखते हैं समाचार पत्रों में वो मजा कर रहे हैं, पंडित साहब वो इंजीनियर है, 5 साल में तो बारे न्यारे हो गए, पंडित जी ये जो डॉक्टर है ना ड्रग इंस्पेक्टर, 5 साल में तो कोठी बन गई, और ये पंडित जी समझ रहे हैं, ये जो कोचिंग ले रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाते, मजे कर रहे हैं, माने हमारी नजर में आज आदर्श के रूप में पापी ही पापी हैं। आज भी यदि कोई अपनी बच्चियों को शिक्षा देगा तो यही देगा, बेटा सास से दबना मां, चतुर बन के रहना, जाते से फूं फां करना, ताकि शुरू से ही अलर्ट हो जाएं सब लोग, तेरे को हैरान नहीं करें, और धर्मात्मा तो पिटते हैं धर्मात्माओं की कोई वैल्यू नहीं है, जिनने किया धर्म उनके फूटे कर्म, अच्छे अच्छे देख लो हैरान परेशान हो रहे हैं। मने मैं फिर कह रहा हूं, कदाचित धर्मात्माओं के संकट देखकर उनसे गिलानी नहीं करना, और पापियों की सफलता देखकर उन्हें आदर्श नहीं बनाना। बोलो भैया समझ में आया, मैंने जितने लोग सफल हो रहे हैं, मैंने शुरू में कहा था अभी आपको पता नहीं लगता, आज ध्यान से सुनना, हम आप में से 99% लोग पाप नहीं करते, लेकिन ये तो कहते ही है ना रिश्वत खोर मजे में है, ये तो बोल ही देते ना, आप भले रिश्वत नहीं खाते लेकिन रिश्वत खोरों को मजे में तो मानते हो ना, इसका मतलब है आपका पुण्य पाप में संक्रमित हो गया। जो सप्त व्यसन खुलेआम कर रहे हैं, सप्त व्यसन उन लोगों को देख करके आप जो भावना कर रहे हैं उससे आपकी उदीर्णा तो हो ही रही है ना, आपका संक्रमण तो हो ही रहा है ना, संक्रमण समझ आ रहा है, कुछ संक्रमण और उदीर्णा दोनों एक साथ बता रहा हूं। और एक अंतिम बात और सुनो, अभी की टेलीविजन पर जब हम प्रोग्राम देखते हैं सप्त व्यसन के, तो आप उन्हें यदि अच्छा मानते हैं, हीरो को अच्छा मानते हैं, हीरोइन को अच्छा मानते हैं, इन बातों को अच्छा मानते हो, इसका मतलब यह है कि आपको सज्जनता की जिंदगी नहीं चाहिए, आपको मुझे तो कहना भी अच्छा नहीं लगता, माने यदि आपको टेलीविजन की संस्कृति अच्छी लगती है, इसका मतलब आपको वेश्यावृत्ति की संस्कृति अच्छी लगती है।
पर पुरुष गमन की और परिस्थिति सेवन की संस्कृति अच्छी लगती है। मैं उसमें जो मैं तो एक बात ही पूछता हूँ भैया, बहुत कड़क प्रश्न है, पूछू मैं? पूछ लू भैया, बहुत कड़क प्रश्न है, जवाब देने में तकलीफ होगी आपको, लेकिन मैं दिगंबर जैन धर्म ग्रंथों के आधार से प्रश्न कर रहा हूं। बोलो, हमारे परिस्थिति का त्याग है? हाँ साहब, बिल्कुल पक्का, शादी है, हम अपनी पत्नी के सिवाय, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, टेलीविजन पर जिन्हें हम देखते हैं उन्हें अपनी बेटी मानकर देख सकते हैं, हम अपनी बहन मानकर देख सकते हैं उन दृश्यों को, मां मानकर के देखा जा सकते हैं वो दृश्य? आपको पता नहीं है, आप सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पढ़ो, समय सारजी में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, आप मन में उन दृश्यों को देखकर प्रसन्न होते हैं, तो मन से मन कृत, वचन कृत और काया से प्रसन्न होते हैं उन कार्यक्रम को देखकर, तो काय कृत वेश्य गमन का त्याग लगता, पाप लगता है, परिस्त्री सेवन का त्याग लगता है। हम क्या मानकर देख सकते हैं बता, उस दृश्य में हम अपनी मां बहन बेटी किसको रख सकते हैं? हालांकि ये बात कोई कहेगा नहीं, मैंने पहले ही कही, बहुत कड़क प्रश्न है, बहुत विचार करना, आप बेफिजूल उदीर्णा कर रहे हैं, पुण्य का खत्म कर रहे हैं, संक्रमण कर रहे हैं। जिन लड़कों को ऐसा लगता है जैन कल्चर कोई कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर बढ़िया है, कोई किसी की पत्नी मतनी कोई हिसाब किताब नहीं, बढ़िया रहो, मजे करो, ऐश करो, बस आपको पता नहीं है, आप त्रियंश गति में जाएंगे जहां कोई हिसाब नहीं है, पक्की बात है, बिल्कुल करणानियोग से आपका पुण्य संक्रमित हो जाएगा, हो जाएगा, आप कर लो। आप अब मैं आपसे पूछता हूं, त्रियंश गति में कोई शादी विवाह के प्रबंध नहीं है, लेकिन जिंदगी क्या है, सुख क्या है, ये बहुत हृदय से सोचना, तो आपको जितने पापाचार होंगे उनसे दूर रहने का मन भी करेगा और बचने की कोशिश करने में आपको पुण्य का उत्कर्षण होगा, पाप की उदीर्णा जल्दी होकर खत्म हो जाएगी और पुण्य बचेगा। और थोड़े समय बाद जब आप मुनि दीक्षा लेंगे, उपसर्ग होंगे तो पाप की उदीर्णा होकर खत्म हो जाएगी, समोसरण लगेगा तो पुण्य की उदीर्णा होकर खत्म हो जाएगी, और जब पाप पुण्य दोनों की उदीर्णा होकर निर्जरा हो जाएगी तो आप मोक्ष चले जाएंगे। ओम नमः शिवाय। पेपर्स की कटिंग भी दिखाने के लिए लाए थे, 2 मिनट दिखा दे, 5-10 मिनट। रोज रोज लाता हूं लेकिन दिखा नहीं पाते, आज संडे भी है। साइलेंट, बस जल्दी जल्दी दिखाता हूं थोड़ी सी। देखो आज के ही समाचार पत्र की 3-4 कटिंग है, आज के ही वृद्धों की देखभाल कैसे करें, एक बहुत अच्छी कटिंग थी आज के अखबार में, कौन सा, गुजरात समाचार, अभी जितनी भी कटिंग दिखा रहे हैं सब गुजरात समाचार की हैं। दोपहर में हमने बच्चियों के लिए जितनी बात बताई थी वो सारी की सारी बात, सारी तो नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी बहुत सारी बात न्यूज़पेपर में आज ही आई है, बहुत बढ़िया। आज कई 7 लक्ष्मण रेखाओं पाड़वानी आवश्यकता छे, मैंने लक्ष्मण रेखा तो आपने नाम सुना ही होगा, लक्ष्मण रेखा सीता के प्रसंग में लक्ष्मण रेखा खींची गई, ये मेरे पास इतनी बड़ी कटिंग है इसकी, इतनी बड़ी कटिंग, मैं 7 रेखाएं पढ़ के सुना देता हूं बस, पूरा तो आप पढ़ लेना, इसमें से पढ़ना, इसमें से नहीं। भ्रमण रेखा, सबसे पहली रेखा भ्रमण रेखा, बच्चियां एटीएम में जाएं कि नहीं, बैंकों में जाएं, सड़क पर जाएं, कब जाएं, कहां जाएं, कैसे जाएं, भ्रमण रेखा इसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मनोरंजन रेखा, टेलीविजन पर क्या देखें और क्या नहीं देखें, ये उदीर्णा का प्रसंग है, टेलीविजन पर क्या देखें नहीं देखें, मैं इसकी चर्चा कल करूंगा। दृष्टिकोण रेखा, आपका दृष्टिकोण क्या है, बहुत अच्छा लिखा है इसमें। विवाद रेखा, पढ़ लेना इसी में से, मैं समझाऊंगा तो समय लगेगा। दान रेखा, किसको गिफ्ट देना और क्या देना, नहीं देना, क्यों नहीं देना, कभी नहीं देना, क्या करना, वो सब लिखा है। लक्ष्मी रेखा और स्वास्थ्य रेखा, मैंने बच्चियों के लिए एक बहुत अच्छी एक कटिंग थी इसमें से, वो आप पढ़ लेना विस्तार से।
आपको लगता है फिल्मी दुनिया में हीरोइन के बड़े मजे होंगे, लेकिन तीन चार कटिंग दो तीन दिन में निकल आई है। एक प्रोड्यूसर ने कल ही पार्टी हुई होगी और दारू के नशे में हीरोइन के साथ सुंदर व्यवहार किया होगा। जो लोग मेरे से पूछते हैं कि चाय पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, उनके लिए कटिंग गुजरात समाचार में से ही है। कल परसों नरसों की बात है, 26 तारीख को मुंबई में लाकड़ाना भुक्कावाड़ी, 1 टन चीनी चाय 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 चीनी नहीं चा चानी भुक्की प्राप्त थई, जब्त थई, समझ में। 1 टन चाय पकड़ी गई। इसमें क्या क्या मिलाया गया, चाय समझ गए। हाँ, इसमें लकड़ी का भुक्का मिला देते हैं, साथ में इसमें स्मेल बढ़ाने के लिए गंध मिला देते हैं और कलर मिला देते हैं, और क्या क्या केमिकल डालते हैं वो इसमें नाम लिखे हैं। ये तो समझ लीजिए कि रिश्वत पहुंचाने में देर हो गई होगी, इसलिए शायद पकड़ा गई हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन मार्केट की 90% चाय, वैसे तो 100% चाय ही नशा कारक है, लेकिन 84 या 85 चीजें मिलाने के लिए, इसकी क्वालिटी कंट्रोल के नाम पर, एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाने के नाम पर, टेस्ट बढ़ाने के नाम पर, पोस्ता का पाउडर जो एक नशाकारक पदार्थ है, ऐसे सैकड़ों चीजें आज मार्केट में चाय बेच रहे हैं। अखबारों में कई बार पढ़ा होगा कि लड़के लोग स्पेशल दुकान की चाय पिए बिना चैन नहीं पड़ती, स्पेशल दुकान का पान खाए बिना चैन नहीं पड़ता, और इसमें वो चीज डाली जाती है, कोकीन वगैरह डाली जाती है। उसी कटिंग में दूसरी कटिंग है, कोकीन के कैप्सूल आ रहे हैं, और डिटर्जेंट में से दूध बनाने का 273 लीटर चमत्कारी प्रवाही जब्त करायो। 35 मिलीलीटर मिलाते हैं मुश्किल से, एक दवाई बनाई जाती है, इसे सब नाम लिखे हैं। मैं यदि पढ़ के सुनाऊंगा ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा लिखा है, और एकदम नया प्रयोग हुआ है, नया प्रयोग, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ये पकड़ में आया है। डिटर्जेंट और दवाइयां उससे बनाया जाता है, करीब 35 रुपए लीटर पड़ती है वो दवाई, उसमें से 35 मिलीलीटर माने 50 ग्राम से भी कम 1 लीटर पानी में घोल करके, और एक दूध आता है ओरिजिनल, उसमें मिला करके मार्केट में बेच दिया जाता है। वो डिटर्जेंट है, शैम्पू है, और एक सेविंग की क्रीम, फैन निकालने के लिए क्रीम, और क्या क्या मिला है वो आप इसी से पढ़ लेना, बहुत सारी बातें हैं। मार्केट में आने वाले ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, डिटर्जेंट में क्या क्या डाला जाता है पढ़ के सुनो, ट्रेट पॉमोलिन तेल, सॉर्बिटॉल, जैनो उपयोग, कफ सीरप में गड़पण लाभ थाय से, आने सोडियम लॉरेल एथिल सल्फेट, जे शैम्पू और डिटर्जेंट उत्पादन में वपराय छे, नु बनेलू हतु 1 लीटर पानी में, वो बाकी लिखा है सारा का। और अब ये देखो, एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट में आ रहे हैं बच्चों के लिए, एनर्जी ड्रिंक्स, इसमें सारा का सारा कैफीन डला हुआ है, कैफीन माने एक प्रकार का नशाकारक पदार्थ। एक और कटिंग है, उस सबोनी उजवनी में भेड़ सेड़ियां बांधी थी चेत जो, उस सबों में मिलने वाली मिठाइयां, एक एक चीज का नाम लिखा है, ऊट की लीद क्या बोलते हैं, ऊट का लेटरिंग, हाँ इसमें लिखा है। मरी में क्या मिलाया जाता है, सब लिखा है इसमें, मैं सुना देता हूँ सुनो। घाणा जीरू में घोड़ा नी लाद,
मरीमा मरीमा पपैया ना बी मरचानी भूकी मा रंगेलू शंख जीरु घी तेल नी भेड़ सेड़ नी तो बात जवा दो वजन अने माप तोल मा थती घालमेल भी जुदी। और पूरा लिखा है, बहुत बड़ा, इतना पूरा है इसमें, आप पढ़ लेना। मैं तो केवल इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से युवा फेडरेशन में कोई युवक, हमारी बहनें माताएं कई बार पूरा अखबार नहीं पढ़ती हैं, मोटी मोटी खबर पढ़े, कई बार तो 90% लोग पढ़ते ही नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि एक पेपर का वो बनाना चाहिए, और इस तरह की जो मेल्स भेल सेल है, गलत बातें हैं, इनकी निकाल के फोटोकॉपी और यहाँ लगा देना चाहिए। जो बच्चों के काम की चीज है उन्हें मिल जाए। आइसक्रीम में क्या मिलाया जा रहा है वो मेरे पास था, कौन से कलर मिलाए जा रहे हैं वो भी मेरे पास था, लेकिन वो अभी जब मैं अहमदाबाद गया था तो लगभग इतनी सारी कटिंग्स मैंने उनको दी हैं, और 20-25 दिन बाद वो उसकी सीडी तैयार हो जाएगी, और बाद में उसकी एडिटिंग करने के बाद हम आपको देंगे। आप लोग दुनिया की जितनी चीजें हैं, मैंने हर बात को कोशिश की है उस कटिंग में रखने की, चाहे बच्चों को सील के मामले में गाइडेंस हो, चाहे बच्चों को मेल बाजार की चीजें खाना नहीं खाना, मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक, पोड़िया, तंबाकू, एक एक चीज, अंडा, शराब, सबके बारे में समाचार पत्रों की बहुत कटिंग है, वो आप उसमें से देख सकेंगे। आज यदि कोई नए लोग आए हो तो ताइवान वाले फोटो एक बार फिर दिखा रहे हैं आपको, और उससे भी पहले, और कटिंग तो अभी बहुत रखी है, फटाफट देख लो आप। आपके बंबई में नल का पानी, बंबई में नल का पानी लोगों ने जो भरा हुआ है टेस्टिंग के लिए, कितना बढ़िया पानी है, इसका कलर भी देखिए आप। गोरे गांव के रेस्टोरेंट में जम्बा गए ना परिवार ने, कीड़ा वाड़ा सोस अपायो, छीकाई की, 5 लोग बीमार होकर हॉस्पिटल में हैं। और आगे सुनिए, जीवलैंड बनी सके छे गर्भाधान अटकावती गोड़ियां, इसकी और भी बहुत सारी हैं बाजार की एलोपैथी लेने के बारे में। एक कटिंग और सुन लीजिए आप, बहुत अच्छी है। एक है सर्पों से बनने वाली दवाइयां, साढ़े सात करोड़ रुपया लीटर जहर का रेट है, 7.5 करोड़ रुपया जहर का रेट है, 7.5 करोड़ रुपया पर लीटर। और इस बोतलों में बंद है सांप और अजगर। लड़के अपने हेल्थ बढ़ाने के नाम पर जो 2 गोलियां लेते हैं उसका भी एक बहुत बड़ा पूरा लेख है, बहुत लॉस है। दवा लेवीज ना पड़े तो सामा ते माटे सू कर सो, एलोपैथी लेने ही नहीं पड़े इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक अच्छा लेख था इसमें। बस फटाफट 5 मिनट में देख लो जल्दी। हाँ तुम्हें तो बता दिया, लेकिन जो लोग नए हों उन्हें ताइवान के फोटो एक बार और दिखा रहे हैं, पहले पाठशाला में दिखाए थे। ताइवान में देखो, एक बात सुनो, स्वाइन फ्लू का नाम तो आपने बहुत सुना है, केवल अमेरिका में 90,000 लोग मरेंगे आने वाले थोड़े ही महीनों में, 20,00,000 लोग स्वाइन फ्लू के शिकार होंगे बीमारी से, और 90,000 मारे जाएंगे अमेरिका अकेले में। इसकी रिपोर्ट में एक गजब बात मैं बताता हूं कि इसमें से 99% लोग जो मांसाहारी हैं वो इसके शिकार हो रहे हैं, ये उसके शिकार हो रहे हैं। आप देखिए पाप भी क्या हो रहे हैं, ताइवान, जापान, चाइना और बड़े बड़े देशों में केवल $40 में एक बच्चा बिक जाता है, 8 महीने का एक बच्चा $40 में बेच देते हैं।
$40 में बेचने के बाद उस बच्चे को बास बेसिन में इस तरह धोते हैं। बास बेसिन में, सुनो सुनो जल्दी सुनो, बास बेसिन में धोने के बाद उसकी पूरी स्किन उतार देते हैं इस तरह से। डिश में रखा हुआ बच्चा है, डिश में रखा हुआ बच्चा और पूरी स्किन उतारी हुई है, देखिए उस पूरी स्किन के बच्चे के फिर पीस बना दिए गए। उस पीस को बनाने के बाद डब्बे में इस तरह पैक कर देते हैं। डब्बे में इस तरह से पैक करने के बाद बड़े बड़े मॉल, वहां पर पूरा का पूरा शोरूम केवल बच्चे के मांस का है। पूरा का पूरा काउंटर बच्चे का मांस से बना हुआ है पूरा। अभी भी यदि आप देखना चाहेंगे तो इंटरनेट पर इसकी वेबसाइट है www.majuki.bosra.com, इस पर आपको बच्चों की रेसिपी मिलेगी। ब्रेन कैसे खाया जाए, किडनी कैसे खाई जाए, हार्ट कैसे खाया जाए, स्वीट डिश कैसे बनाई जाए, सूप कैसे बनाए जाए, माने आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं तो यदि आप मॉल में ऑर्डर दे देते हैं, बच्चे को ताजा खाना चाहते हैं, तो बच्चे के दोनों हाथ दोनों पांव काटकर ओवन में फ्राई करके, दोनों हाथ दोनों पांव कटे हुए हैं देखिए, और ओवन में फ्राई करने के बाद ये बच्चे को खा रहे हैं देखिए आप। ठीक कहना तो सरल है, आंख बंद कर लेना सरल है, लेकिन 84 लाख योनियों में मनुष्य की कितनी हालत खराब है। आज हम जैन हैं, हम बच्चों का इस तरह नहीं करते, इसीलिए आज विश्व में हम सबसे ज्यादा पुण्यशाली भी हैं। सबसे कम बीमारी जैनियों को, सबसे कम अपराध जैनियों में, सबसे ज्यादा शिक्षा जैनियों में और सबसे ज्यादा व्यापार जैनियों में। वर्ल्ड में कम्युनिटी में इतना परसेंटेज किसी का नहीं है। हम हर हाल में आगे हैं, हर बात में आगे हैं, लेकिन मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, ये समझो, मुझे माने जैन शासन को और आपको आपका सहयोग चाहिए। आज दोपहर की भी स्पेशल कक्षा ली थी, अभी भी ले रहा हूं। एक सभी लोगों को बता रहा हूं, हो सकता है 90% लोगों ने सुन लिया हो कदाचित, नहीं भी सुना हो तो सुन लो। हिंदुस्तान में 55,000 से ऊपर बूचड़ खाने हैं, स्लॉटर हाउस, जहां लाखों करोड़ों जानवर, गाय बैल भैंस सुअर गोट, लाखों रोजाना कटते हैं करोड़ों कतल खाने। उस कतल खाने की खून की एक भी बूंद किसी गटर में नहीं जाती, किसी नदी में नहीं जाती, किसी सरोवर में नहीं जाती। 100% ब्लड बड़े बड़े जैसे हॉल है ना, इतना बड़ा, उन हॉल में इकट्ठा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक के द्वारा उनको सुखाकर ब्लड का पाउडर बना लेते हैं। ब्लड पाउडर में से 50% से 80% दवाइयों में काम आता है, एलोपैथी में। बाकी बचा हुआ 30-40% ये सारा का सारा ब्लड सुखा करके पाउडर बना करके आजकल मार्केट में सिंथेटिक कत्था आता है, जो पान में यूज किया जाता है, पुड़िया में यूज किया जाता है, पाउच में यूज किया जाता है। जो लोग पुड़िया पाउच खाते हैं, तंबाकू खाते हैं मार्केट की, जो गुटखा खाते हैं बाजार का, उसमें उसका इस्तेमाल होता है। वो चार चीज से मिलकर बनता है, मैं पूछूंगा अभी, याद कर लीजिए आप। ब्लड पाउडर नंबर वन, ब्लड पाउडर बूचड़ खाने का, कतल खाने का ब्लड पाउडर। नंबर दो मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी सॉइल। नंबर तीन जूते की रेड पॉलिश, जूते की रेड पॉलिश। और नंबर चार अखरोट का पाउडर, अखरोट। इसका पाउडर मिलाकर के, चार चीज मिलाकर के आजकल का 99% कत्था मार्केट में आ रहा है। उसका रेट है 100-125 रुपए किलो।
जबकि खेर की लकड़ी का असली कत्था आता है 2,000 से 2,500 रुपया किलो मार्केट में। अब आप समझ लेना, आप यदि कत्था खाते हैं, पुड़िया पाउच खाते हैं, गुटखा खाते हैं तो क्या होगा। हमारे खनिया थाना का एक युवक 24 इयर्स ओल्ड, अनिल कुमार जैन नाम है इसका, ये तम्बाकू खाता था। इसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी लेकिन शादी होने के पहले ही एक्सपायर हो गया। ये इसको मुंह का इतना बड़ा कैंसर, ये देख सकते हैं आप इसमें इतना बड़ा, ये तम्बाकू खाने का नतीजा, 24 इयर्स था केवल और इसके कैंसर हो गया। और एक, अब मैं ज्यादा तो आपको बताना नहीं ना, समय बहुत तेजी से हो रहा है। और एक आपको जिलेटिन के बारे में बताया था, मार्केट में आने वाले केक, सूप, सॉस, केक, फ्रिज, ओ चिंगम, वेरी गुड, चिंगम, चॉकलेट, जेली बीनस, जैम और क्या, हाँ टोमेटो सॉस, बच्चों को सब याद है या पाठशाला वालों को। हाँ एक चीज, बेकरी हाउस की बिस्किट्स, बेकरी हाउस, हाँ, और क्रीम वाला बिस्किट, प्रक्षाल ने ठीक बताया, क्रीम वाला बिस्किट, जो दो बिस्किट के बीच में क्रीम लगी रहती है ना, ये जिलेटिन है। और जिलेटिन कैसे बनता है, जिलेटिन बनता है गाय, बकरी, फिश, मछली, मुर्गा, सुअर, इनकी टांग, पंजे, हड्डी और चमड़ी, इनको एसिड के साथ बॉईल करके एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है जिलेटिन। और उस जिलेटिन का इस्तेमाल इतनी सारी चीजों में होता है। आपकी कैमरे की फोटो रील, चाहे भले ही वो कैमरे की वो वाली हो या वीडियो वाली हो, ये सब में लगती है। नाटक में जो पन्नी यूज करते हैं कलर्ड, वो प्योर जिलेटिन है। और माताएं बहनें ध्यान से सुने, आप सब भी सुने, मार्केट में आने वाले 100% नहीं तो 99% कैप्सूल, वो प्योरली जिलेटिन है, मने मांस से निकाला गया कवर, बिल्कुल आप। और ये जो लेख मैं बता रहा हूं, इस मेनका गांधी का लिखा हुआ लेख है, पांच आठ साल से मेरे पास है, 5-1 साल से तो मेरे पास है, बल्कि 8 साल होंगे जहां तक। आज तक इस लेख के खिलाफ कोई भी कंपनी कोर्ट में नहीं गई। एक अंतिम बात और बता रहा हूं, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, मार्केट की कोई चीज खाने जैसी नहीं बची। हमें नहीं मालूम, नाम सुन लीजिए आप बाजार का नमक खाते हो, टाटा या कोई सा भी, इसमें आयोडीन के नाम पर, आयोडाइज्ड नमक जो कहते हैं, आयोडाइज्ड साल्ट, आयोडीन कहां से आता है पता है आपको, पशुओं की एक ग्रंथि होती है आयोडीन की, पशुओं की एक ग्रंथि होती है बॉडी में, डेड बॉडी में से वो आयोडीन निकाला जाता है और वो नकल उसमें नमक में यूज होता है। जो लोग मांसाहार नहीं करते हैं, हड्डियां नहीं खाते हैं, उन्हें बाजार का नमक यूज नहीं करना चाहिए। जिन्हें मांसाहार का त्याग है उन्हें बाजार का नमक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। फिर क्या खाएं, बहुत सिंपल बात है, सेंधा नमक शुद्ध है, लाहौरी नमक के नाम से, पूजा के नमक के नाम से भी आता है, उसके सिवाय कोई नमक खाने लायक नहीं है मार्केट का। पर एक अंतिम बात, रशिया में साइंटिस्ट ने मिलकर के कतल खाने के ब्लड में से एक नया आविष्कार किया 2 साल पहले, उसको उन्होंने ऑक्सीफाइड करके केमिकल के साथ उस ब्लड में से चर्बी निकालते हैं, वो चर्बी घी जैसी रहती है, समझ लीजिए जैसे अपन घी चिकना रहता है ना, ऐसे वो फैट निकालते हैं उसमें से। और बाजार के बिकने वाले बिस्किट इतने खस्ता कैसे बनते हैं, जब घर में हमारे सकल पारे बनाते हैं, शकर पारे बनाते कि नहीं, तो उसमें घी तेल का बहुत मौन देना पड़ता है तो अभी इतना खस्ता नहीं बनता। मार्केट में आने वाले बिस्किट में जो मौन दिया जाता है, हाँ, वो उस चर्बी का है, उस ब्लड में से निकाली हुई चर्बी का है। वो मार्केट में आने वाली लिपस्टिक वगैरह,
इनमें चर्बी का इस्तेमाल है, साबुन इनमें चर्बी का इस्तेमाल है, लिपस्टिक कड़क होकर खराब नहीं हो जाए, साबुन खराब नहीं हो जाए और ये क्रीम वगैरह खराब नहीं हो जाए, इसे सॉफ्ट बनाने के लिए वो चर्बी का इस्तेमाल करती है। शैम्पू में तो सबको पता ही अंडे का इस्तेमाल होता है। हमारा मतलब ये है, मेरी मत मानो आप, ये सब न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, पूरी न्यूज़पेपर की। मैं अपने बारे में कहता हूं, मैंने आज तक जिनवाणी पढ़कर कुछ नहीं छोड़ा। मैं जब क्लास फिफ्थ में पढ़ता था तब से न्यूज़पेपर पढ़ता हूं और मुझे न्यूज़पेपर ने त्यागी बनाया। न्यूज़पेपर की मेरे भाई इतनी कटिंग, वो जब आप आएंगे ना आप देखना, इंदौर की हिमालय अथाना कंपनी, हिमालय अचार अथाना बनाती है, उसका फोटोग्राफ है उसमें। कर्म लेबर एक बड़े कुंड में, टैंक में, और आम की टुकड़े, आम की कलियां उसमें डालकर और मसाला मिलाने के लिए पैरों से मिला रहे हैं। 350 केजी या क्विंटल ऐसा कुछ लिखा था उसमें। इतना सारा अचार में इल्लियां पड़ गई थी और नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पकड़ करके उसको नष्ट किया और उसका पूरा फोटोग्राफ उसमें है। हमारा कहने का मतलब यह है, आप मेरी मत मानो, बिल्कुल नहीं मानो, न्यूज़पेपर पढ़ करके आप खुली आंखों से रहिए और खुले मस्तिष्क से रहिए, आपको ऑटोमेटिक जैन शासन की शरण में आना पड़ेगा। आप इन बातों को देखकर समझें और अपना जीवन ठीक करें, इसी भावना के साथ अभी विराम। ओम नमः शिवाय।